चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑब्जर्व लिटरेचर क्या चीज है? ऑब्जर्व लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जो ह्यूमन की एब्जर्डिटी को शो करता है। ठीक। अब एब्जर्डिटी क्या चीज होती है? एब्जर्डिटी वो चीज होती है जिसमें आपको ना कोई रीजन मिले, ना कोई काज मिले, ना कोई इफेक्ट मिले। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक कोई मैं घटना कर रहा हूं, जैसे मैं कोई एक काम कर रहा हूं, ठीक, जैसे मैंने किसी को मारा, तो मेरे इस मारने के पीछे कोई रीजन रहा होगा। हो सकता है उसने मुझे गाली दिया हो, या हो सकता है उसने मेरे साथ कुछ किया हो। तो लेकिन अगर जो आपको कारण मिले ही ना, तो कारण मिले ना आप काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? कोई घटना अगर जो घटित हो रही है, उसका आप उसको आप उसका भी कारण आप ना पाओ, एक घटना दूसरे घटना से जो है जुड़ नहीं रही है, तो जब ऐसा लिटरेचर हो, ऐसी कोई चीज हो, तो उसी चीज को ऑब्जर्व लिटरेचर कहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि आप इसमें जो है सोचेंगे कि जब ये इतना चीज एक घटना दूसरे घटना से जुड़ नहीं रही है, एक इंसिडेंट का क्या कारण है, वो आप कारण नहीं समझ पा रहे हो, तो ये लिटरेचर फिर आया क्यों? ये मतलब हम इसको पढ़े क्यों? तो आप इस लिटरेचर को इसलिए पढ़े क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक सस्पेंस वाली थियरी डाली गई थी। उसी सस्पेंस के आधार पे आप जो है पूरा इसको जो है पूरे इस लिटरेचर को, या पूरा जो ड्रामा था या नावेल था, आप उसको पूरा इसीलिए पूरा सुनते चले गए या पूरा देखते चले गए कि जैसे सस्पेंस डाल दिया गया कि हाँ अब हीरो आएगा, हीरो यहाँ है, हीरो आने वाला है। ठीक। आप सोचोगे यार अच्छा अब आ जाएगा, बस इस घटना के बाद हो सकता है आ जाए, इस घटना के बाद हो सकता है आ जाए। लास्ट में आपको पता चला यार ये हीरो कोई करेक्टर ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो यही सस्पेंस इसको रोके रहा, लेकिन ये 10-5 सालों में इसकी स्थिति जो है क्षीण हो गई। ये इस टाइप के लिटरेचर जो है आपके 10-10 साल से ज्यादा नहीं चल पाए। दूसरी चीज, अब इस लिटरेचर का जो है उद्भव कहाँ से हुआ? क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जैसे कोई भी मूवमेंट या कोई भी लिटरेचर आता है, या कोई भी, तो उसकी रूट क्या होती है, किससे इन्फ्लुएंस होकर ये चीज आई है? तो इसमें देखना लिखा है कि एक्सप्रेशनिज्म और सरलिज्म, ये इसके रूट हैं। और एक फ्रेंच काफ्का है, इनके जो है कुछ फिक्शन उक्शन है, तो उसी, और दो ये हो गए, और एक फ्रेंच काफ्का के जो है कुछ फिक्शनल वर्क हो गए जो है, इनसे भी ये प्रभावित होता है। तो स्पेशली आपको दो चीजें मिलती हैं, एक एक्सप्रेशनिज्म और सरलिज्म, और तीसरी चीज क्या है, फ्रेंच काफ्का के जो है कुछ फिक्शन। ये तीन चीज जो है आपका ऑब्जर्व लिटरेचर के आप इसको रूट मान सकते हैं, समझ रहे हैं? अब अच्छा, इसमें और कुछ चीज, ऑब्जर्व लिटरेचर आप समझ गए, आप इसका रूट समझ गए कि किन दो मूवमेंट से या किन दो इज्म से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरी चीज, अब इसमें कुछ चीज आप ये समझ लो, अच्छा इसका सबसे बड़ा जो है मतलब इसका जो है कहने का मतलब, लिटरेचर में सबसे बड़ा महारत हासिल किसको था? तो वो सैमुअल बकेट थे। सैमुअल बकेट के बहुत, अगर जो परीक्षा में पूछेगा, तो एक या दो वर्क, जैसे वेटिंग फॉर गडट और उसका इंड गेम, तो दो आप इसको आपको याद रखना है। फिर उसमें और क्या चीज देखनी है? अब इसमें कुछ फ्रेजेज यूज हुए हैं छोटे छोटे। अब जैसे क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, जैसे एल्फ्रेड जेरी थे, इनका फ्रेंच प्ले है यूबीरुई, ये भी ऑब्जर्व लिटरेचर का जो है माना जाता है कि ऑब्जर्व लिटरेचर का ये बहुत कहने का मतलब, इसमें ऑब्जर्विटी थी। ऑब्जर्व लिटरेचर के नाम से बाद में आया, लेकिन ये माना जाता है कि हाँ इस प्ले में भी ऑब्जर्विटी आपको शो हुई थी। तो अब परीक्षा में ऑब्जर्व जो है प्ले के लिए भी ये तो मशहूर ही है, पूछा जाएगा किस टाइप का प्ले है, तो आप बताएंगे ऑब्जर्व प्ले है यूबी रोई। अगर जो आप इसका नाम सुने होंगे तो अच्छा है, नहीं सुने होंगे तो एक दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से भी वो बना सकता है बनाने वाला कि यूबी रोई मीन्स, तो मीन्स का मतलब यू बी द किंग, ये देखो ब्रैकेट में इसके लिखा है, तो कहने, और ये यू बी रोई किस जो है भाषा की टाइटल है, तो पता चलेगा फ्रेंच, यहाँ पे ये देखो आपका फ्रेंच लिखा है। तो क्वेश्चन दो तीन प्रकार से बन सकते हैं कि किस भाषा का ये जो है फ्रेज है, तो आप बताएंगे फ्रेंच। ये क्या चीज है, तो बताएंगे फ्रेंच प्ले है, फ्रेंच प्ले का एक जो है ये नेम है। अच्छा, इस प्ले को लिखा किसने, तो एल्फ्रेड जेरी। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। अब आ जाओ अगली चीज पे। इसमें अगली चीज क्या है, अगली चीज अब आपका आ गया, बाकी इसमें चीज दिया गया है कि इसमें जो है ऑब्जर्व लिटरेचर ने जो है सारे जो है रीजन को कट कर दिया, इसके पहले जो जितने जो है रियलिस्टिक माइनर, या जो है कहने का मतलब वो प्ले के जितने सिस्टम बने थे, सिस्टम को ये कट कर दिया। ये सब सारी चीजें आपको जो है यहाँ बताई जाएंगी। दूसरी चीज इसी ऑब्जर्व लिटरेचर में आप पाएंगे ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर, ये क्या चीज होती है?
ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर वो चीज होती है कि सबसे पहले आप ब्लैक ह्यूमर समझो। ब्लैक ह्यूमर क्या है? जैसे मैं मजाक कर रहा हूं, मैं किसी चीज का जो है उसका आनंद ले रहा हूँ, लेकिन वो चीज सीरियस हो। तो सीरियस क्या चीज होती है? जैसे सीरियस आपका होता है डेथ, सीरियस होता है मर्डर, सीरियस होता है वार। इस इन चीजों पर अगर जो मैं ह्यूमर कर रहा हूँ, मतलब मैं वार पे ह्यूमर कर रहा हूँ, मैं जो है डेथ पे ह्यूमर कर रहा हूँ, मैं जो है मर्डर पे ह्यूमर कर रहा हूँ, तो अब ऐसा ह्यूमर ही ब्लैक ह्यूमर कहलाएगा। और अगर जो इसी ह्यूमर को हमने किसी कॉमेडी में डाल दिया, तो वो कॉमेडी जो है ब्लैक ह्यूमर बोली जाएगी, सॉरी ब्लैक कॉमेडी वो कॉमेडी आपकी बोली जाएगी। तो एक चीज आपने ये समझा कि ब्लैक कॉमेडी, ये ट्रेजेडी कॉमेडी, इससे ज्यादा फोकस होने के बजाय ये है कि इसमें ब्लैक ह्यूमर डाला गया है। ब्लैक ह्यूमर डालने की वजह से इस टाइप की कॉमेडी को आप ब्लैक कॉमेडी कहते हैं, समझ रहे हैं? तो ये ब्लैक शब्द जो है एक करेक्टरिस्टिक को जो है ज्यादा फोकस करता है, जो मतलब उसकी तुलना में परिणाम को, समझ रहे हैं? चलो, इसमें जो है इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा ब्लैक, अब दूसरा ये मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक ह्यूमर बन कैसे सकता है। तो ब्लैक ह्यूमर ऐसे समझो, जैसे हमने क्या बताया, डेथ, मर्डर, वार, ये सब सीरियस चीजें मानी, इन पे आप कॉमेडी करते हो, सॉरी इन पे आप ह्यूमर करते हो। तो ह्यूमर कैसे करोगे? तो उसका एक उदाहरण ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे कैच 22 एक प्ले है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वार को एक्सटेंड इसलिए किया जा रहा है कि आर्मी ऑफिसर्स ये चाह रहे हैं कि वार जितना एक्सटेंड होगा उतना मुझे मेडल मिलेगा। एक तो एक तरफ तो दूसरे लोगों की जान जा रही है, और ये किस किस लिए परेशान है? ये मेडल के लिए परेशान है। ये आपस में बैठे बात कर रहे हैं कि यार वार बढ़ जाता तो मुझे जो है ये पदक मिले था, एक पदक और हो सकता था जो है अगले, अगर जो यहाँ पे बम ब्लास्ट किया जाए तो एक पदक हो सकता है मुझे और मिल जाए। तो इन चीजों मन में सुनने के बाद जब आप इनकी बात को सुनते हो, तो एक मन में आपके दुख भी होता है, और साथ साथ इन लोगों की बात सुनकर के आपको थोड़ी हंसी भी आती है। तो यही चीज आपकी जो है कहने का मतलब, ये चीज आपकी ब्लैक ह्यूमर बोली जाती है। या जैसे किसी का जनाजा निकल रहा हो, आप चार लोग कंधा दिए हो, दो लोग बात कर रहे हो कि यार ये संडे को मर गया, बताओ हमारी छुट्टी चली गई। या किसी का मर्डर अगर जो हो रहा हो, उसके गला रेत रहे हो, तो गला रेतने वाले कह रहे हैं देखो यार गला इसका हम लोग रेत रहे हैं, पैर से देखो कितनी अच्छी जॉगिंग कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसी मतलब इस टाइप के जो है ह्यूमर को ही ब्लैक ह्यूमर बोला गया है। तो इसमें जितने हमने बताए हैं ये क्वेश्चन आपके जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। और अगर जो आप इसको नोट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट करते हैं तो ये सब सब कुछ जो हमने जरूरी जरूरी चीजें बताई थी, ये सब सब हमने अपने क्विज में मेंशन किया है, सिर्फ आप कुछ साल पे करते चले जाओ बस। चलो अगले टर्म पे आते हैं। अगला टर्म आपका आता है एक्ट एंड सीन। देखो एक्ट क्या चीज होती है? एक्ट प्ले का मेजर डिवीजन होता है, समझ रहे हैं? ये कोई प्ले होगा, उसका एक बड़ा बड़ा आप उसके भाग कर दीजिए, पार्ट कर दीजिए, तो उस बड़े भाग को आप जो है एक्ट करेंगे। अच्छा बड़ा भाग आप करोगे कैसे? जैसे इतना बड़ा मान लो आपने, सपोज दैट इतना बड़ा प्ले लिखा, इसमें आपको एक्ट बनाना हुआ, तो पता आपने इसमें दो एक्ट कर दिया, एक ये वाला भाग, ये एक ये वाला। तो ये रेखा आपने यहीं से क्यों खींची? इस रेखा को आप यहां से भी तो खींच सकते थे, इस रेखा को आप यहां से भी खींच सकते थे, तो आपने यहीं से क्यों खींची? तो ये एक्ट बांटने का सबसे बड़ा आधार ये होता है कि ह्यूमन या मानव एक मतलब कितना देर उसकी जनरल कैपेसिटी है बैठ करके देखने की। तो पता चला 2 घंटे 2.5 घंटे, तो 2 घंटे 2.5 घंटे में एक जो है कहने का मतलब प्रयास किया जाता है कि 2 या 3 इंसिडेंट आपको दिखा दी जाए। तो सीटिंग सीटिंग टाइम के अकॉर्डिंग टू ये एक्ट का डिविजन हुआ। तो जो इसके पहले का मोन मेन मोटो है, मैं वो आपको वो बता रहा हूँ कि एक्ट बांटने का मेन जो है सिटिंग की कैपेसिटी देख करके एक्ट बांटा गया है, और प्लस उसी में इन्होंने प्रयास किया कि 2-3 जो है इंसिडेंट आपके पूरे करा दिए जाएं। जो सीन होती है, सीन क्या चीज होती है? अच्छा एक्ट में दूसरी चीज देख आपने ये देखना है, क्या देखना है कि ये जो एक्ट का 5 डिवीजन हुआ, अमूमन एलिजाबेथन जो है ड्रामेटिस्ट अपने एक प्ले में पांच पांच एक्ट वो बनाते थे, तो 5 एक्ट वाली ये धारणा आई कहीं कहां से? 6 भी तो बना सकते थे, 4 भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 5 क्यों बनाया? तो 5 बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य, कहने का मतलब सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो इन्होंने रोमन प्ले जो है जो प्ले राइट थे उनका इन्होंने नकल किया। तो रोमन लोग 5 भागों में अपने जो है प्ले को बांटते थे, तो उन्हीं से नकल इन्होंने कर लिया, इन्होंने भी 5 भागों में जो है अपने प्ले को बांटना शुरू कर दिया। मेन मोटो इसके पीछे का ये है। अब आ जाओ सीन समझो। तो जैसे एक्ट को हमने बताया कि एक्ट का डिवीजन होता है सिटिंग टाइम के अकॉर्डिंग टू,
तो सीन का डिवीजन कैसे होता है? तो सीन का डिवीजन होता है आपका जो है प्लेस चेंज होने पर। जैसे अब ये यहाँ स्टेज है, स्टेज ये आपका ऐसे स्टेज बना है। अब इस स्टेज पे आप युद्ध भूमि का सीन दिखा रहे हैं, वार यहाँ चल रही है। तो वार चलेगा तो क्या होगा? पता चला पर्दे पर खून की छींटे आपको मिलेंगी, तलवार लगा मिलेगा, समझ रहे हैं? हो सकता है इस पे जो है कुछ फिगर्स बने हों आपस में तलवार लड़ाए हुए, स्टेज पे एक दो लोग होंगे खटर पटर तलवार भी अपनी लड़ा रहे होंगे, पीछे रथ के पहिए होंगे या योद्धा होंगे, ये सब इस टाइप के पर्दे वर्दे टांगे जाएंगे, समझ रहे हैं? अब इसके बाद स्टेज आपका यही है। अब इसी स्टेज पे आपको जो है पता चला कि नदी के किनारे वाला सीन दिखाना है, रोमांटिक माहौल वाला जो है सीन दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? पर्दा गिराओगे, उसके बाद अंदर के जितने भी पर्दे हैं वार वाले उसको सब हटा दोगे, फिर नदी के किनारे वाला सीन वाला पर्दा फिर से आप टांग देंगे, समझ रहे हैं? तो आपने क्या देखा? अब बस यही सीन ब्रेक हो जाएगा। जहां आपने प्लेस स्टेज पे चेंज किया तो वो सीन करेंगे। एक्चुअली सीन ये इसलिए होता है कि सीन एक टाइप से स्टॉप होता है। स्टॉप क्यों करते हैं? स्टॉप इसलिए करते हैं कि वही पर्दा वर्दा उनको चेंज करना होगा। तो अब जब आप प्ले पढ़ेंगे तो उसमें आप गौर से ध्यान देना कि सीन वही वही चेंज होगा जहां प्लेस चेंज होंगे। अब जैसे कोई सीन कैसिल का चल रहा है, तो कैसिल के बाद अब उनको जो है बैटल फील्ड में जाना होगा, तो आपने देखा होगा बस वही सीन, सीन टू के बाद फिर सीन जो है आपका थ्री शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं? या सीन अगर जो थ्री चल रहा होगा तो फिर सीन फोर्थ आ जाएगा, युद्ध भूमि वाला जो है फोर्थ आ जाएगा। तो सीन को बांटने का ये जो है सिनेरियो है। दूसरी चीज, इसी एक्ट सीन में आपने एक टर्म देखा प्रोसेनियम मार्क। तो प्रोसेनियम मार्क क्या चीज होती है? ये देखो आपका स्टेज है, स्टेज है, यहाँ आप बैठे हैं, आपका मतलब यहाँ दर्शक लोग बैठे हैं, ठीक? तो दर्शक लोग यहाँ बैठे हैं, ये स्टेज है, और आपने ये देखा होगा कि स्टेज का जो ये फ्रंट वाला भाग होता है, यही पर्दा वर्दा लटकाया जाता है, टांगा जाता है, तो इसी फ्रंट पार्ट को ही प्रोसेनियम आर्क बोलते हैं। फ्रंट ऑफ द स्टेज इज कॉल्ड प्रोसेनियम आर्क, समझ रहे हैं? कुछ याद हो ना याद हो, बस इतना जानना प्रोसेनियम आर्क बराबर फ्रंट ऑफ द स्टेज, ये देखो आपकी बुक में लिखा है। ये एक मिनट हम साफ कर देते हैं, आप इसको फिर से देख लो एक बार। देखो ये प्रोसेनियम आर्क, इसका मतलब है फ्रंट ऑफ द स्टेज। ये दो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एस्थेटिज्म या एस्थेटिक मूवमेंट। तो एस्थेटिक, एस्थेटिज्म या एस्थेटिक मूवमेंट जानने के लिए देखो इज्म लगा है, तो कहने का मतलब वाद हो जाएगा। वाद का मतलब क्या होता है? उस चीज का फेवर किया जाएगा, जैसे जातिवाद में जाति को फेवर किया जाएगा। अगर जो कोई ठाकुर है तो ठाकुर का सपोर्ट करेगा, कोई यादव है तो वो यादव का सपोर्ट करेगा, इसको बोलते हैं वाद। इज्म इसमें लग गया, एस्थेटिज्म मतलब एस्थेटिक चीजों का सपोर्ट किया जाएगा। जितने भी उस पीरियड के जो है राइटर्स होंगे या पोएट होंगे, तो वो किसका सपोर्ट करेंगे? अपनी विषय वस्तु किसको बनाना जो है पसंद करेंगे, तो एस्थेटिक ब्यूटी को अपनी चीजों में, अपने पोएम में, अपने जो है क्रिएशन में वो डालना उनको जो है ज्यादा पसंद होगा, समझ रहे हैं? तो ये एक इसका दौर चल गया, तो ये यही आपका चल गया जो है इज्म। अच्छा दूसरी चीज अब इसमें आपको समझना है कि ये एस्थेटिक होता क्या है। एस्थेटिक का मतलब होता है, जब आप डिक्शनरी में देखोगे तो आपको मिलेगा ब्यूटी, लेकिन हर ब्यूटी एस्थेटिक हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। एस्थेटिक का मतलब ऐसी ब्यूटी जो सेंसुअस हो। सेंसुअस का मतलब क्या होता है? जो आपके सेंसेस को अराउज कर दे। कहने का मतलब जैसे आपके पास पांच सेंसेस हैं, आपने क्रिएशन कुछ ऐसा किया कि उसको पढ़ने के बाद पता चला आपके रोंगटे खड़े हो गए, समझ रहे हैं? तो त्वचा वाला सेंस आपका काम कर गया, या आप वो लिटरेचर या वो साहित्य आपके कानों को बड़ा अच्छा लग रहा है तो वो भी सेंसुअस हो गया। आंखों को वो चीज आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, वो सेंसुअस हो गया। ये आपका आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, तो ये सेंस आपके जो है, कहने का मतलब पांच सेंसेज हैं। अगर जो कोई क्रिएशन आप करते हैं, जैसे आपने लिखा, आपने कोई एक जो है लाइन लिखी, उसने उसमें आपने क्या वर्ड यूज किया? नंबनेस। तो नंबनेस वर्ड यूज करने से अब ये जो है, कहने का मतलब अब ये लाइन आपकी सेंसुअस हो गई। क्यों सेंसुअस हो गई? नंबनेस किसका द्योतक है? तो नंबनेस पता चला जो है सुन्नपन का द्योतक है। और सुन्नपन का मतलब, सुन्नपन का मतलब ये होगा अब ये त्वचा से कोरिलेट कर लिया, समझ रहे हैं? तो ऐसे लाइन आपकी एस्थेटिक बन सकती है या ऐसी सेंसुअस लाइन बन सकती है। इसमें आप इन सब चीजों का करके जो है, तो ब्यूटी में आप ब्यूटी को इस नजरिए से देखो कि आपके सेंसेस प्रभावित हों, तो वो ब्यूटी आपकी जो है सेंसुअस ब्यूटी हो जाएगी, और वही सेंसुअस ब्यूटी ही आपकी जो है एस्थेटिक ब्यूटी है। अच्छा दूसरा चीज आपको ये देखना है, जैसे एक मोमेंट था,
मूवमेंट कहने का मतलब अब इसी के लिए काम धाम शुरू हो गया कि भाई इसी का जो है प्रचार प्रसार किया जाए, इसी को बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाया जाए। ठीक, वाद चला, वाद के बाद अब इसका मूवमेंट चल गया कि चलो अब इसी को आगे बढ़ाओ, इसका उद्धार करो। तो उद्धार जब आप किसी चीज का करते हो तो एक आप नारा बनाते हो, जैसे किसानों के उद्धार के लिए जय किसान, जवानों के उद्धार के लिए जय जवान। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था चाइना के युद्ध के बाद, या सॉरी संभवतः चाइना या पाकिस्तान का युद्ध था, उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो इससे इन्होंने क्या मतलब, इनका जो है एम था, इनका एम ये था कि हम किसानों को और सपोर्ट करें कि जिससे और ज्यादा अनाज ये मंगाए, अनाज और ज्यादा पैदा करें। और इन्होंने जवानों का सपोर्ट इसलिए किया किया था क्योंकि युद्ध जो है मतलब हुआ था, और थोड़ा जो है युद्ध में इन्होंने जो है उनको क्या बोलते हैं, जवानों को और सपोर्ट करने के लिए और अच्छे से काम करें, या इनका विकास और हो, या जनता इनको और सम्मान की नजरों से देखे। तो जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया। तो एस्थेटिक लोग जो थे, कहने का मतलब जो इस टाइप के लोग थे, उन्होंने इस चीज को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी अपना एक नारा गढ़ा था। तो उस वो नारा क्या था, आई आर्ट फॉर आई आर्ट। और ये चीज फ्रांस से पैदा हुई थी। तो ये फ्रेंच फ्रेंच आपका ये जो है फ्रेज है, आई आर्ट फॉर आई आर्ट। इसका इंग्लिश मतलब क्या होगा, आर्ट फॉर आर्ट सेक। इसका इंग्लिश मतलब क्या होगा, आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक मतलब कला कला के लिए। अब ये समझो कला कला के लिए क्या होता है, कला कला के लिए वो चीज होती है कि जैसे मतलब कला में नैतिकता न ढूंढी जाए, कला में मानव हित न ढूंढा जाए। मतलब कला में सिर्फ अगर जो रोमांच है तो बस समझो वो आर्ट फॉर आर्ट सेक का मोटो पूरा कर रहा है। जैसे मैं बाइक पे स्टंट कर रहा हूँ, इससे बताओ मेरा क्या फायदा है, इससे समाज का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। ठीक, अब इसमें मॉरलिटी नहीं है, इसमें कोई नैतिकता नहीं है, समाज का कोई फायदा इसमें नहीं जुड़ा है। तो अब ये क्या चीज हो गई, लेकिन इससे जो है रोमांच हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, जो देखने वाला है वो एकदम रोमांचित हो जा रहा है। तो सिर्फ इसमें आपको आनंद की अनुभूति हुई लेकिन आपको फायदा कुछ नहीं हुआ। तो जब ये सिचुएशन आप क्रिएट करते हो तो इसी को बोलते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। सारी एक मिनट रुक जाओ, आप इसको थोड़ा हम दुरुस्त कर दें, समझ रहे हैं? ये पोजीशन आपकी आर्ट फॉर आर्ट सेक हो जाती है। आप एडवेंचर करते हो, उससे कोई फायदा नहीं किसी का, लेकिन उसको देखने में आपको अच्छा लगता है। तो वो कौन सा सिद्धांत तो फॉलो कर रहा है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। अब जैसे मैं एक कोई काम करूं, उसमें कोई मॉरलिटी छुपी हो, समाज को कोई मैं संदेश दे रहा हूं, तो ये कला किस टाइप की होगी, ये होगा आर्ट फॉर लाइफ सेक। कहने का मतलब कला जीवन जीवन के जीवन रक्षण के लिए, या जीवन के विकास के लिए, या जीवन के उत्थान के लिए। तो इसको बोलते हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक। अब ये जो जो ये थे, कहने का मतलब एस्थेटिक मूवमेंट वाले थे, तो इन्होंने अपना जो है क्या वो दिया था, आर्ट फॉर आर्ट सेक मतलब कला कला के लिए। इसमें कला में नैतिकता न ढूंढो, कला में फायदा न ढूंढो, बस तुमको रोमांच मिल जाए, तुमको मजा आ जाए, बस कला का मोटो यहीं तक रहने। तो इन्होंने ये मतलब इन लोगों ने ये चीज पे बल दिया, ज्यादा जोर दिया। चलो नेक्स्ट टर्म देखते हैं, दूसरी चीज। हाँ, इसमें एक चीज और छूट रही है, ये फ्रांस में हुआ, लेकिन अब फ्रांस से ये चीज इंग्लैंड भी पहुंची। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड में कौन लेके आया और किस पीरियड में आया। तो ये जो फ्रेंच एस्थेटिज्म था, ये देखो फ्रेंच एस्थेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में कब आया था, विक्टोरियन पीरियड में आया था। किसके द्वारा आया था, वाल्टर पेटर के द्वारा आया था। तो ये इतनी चीज आपको नोट करने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। चलो अफेक्टिव फैलसी। अफेक्टिव फैलसी क्या चीज होती है, देखो जहां भी तुमको फैलसी मिल जाए समझ लेना फॉल्ट। ये फैलसी मिली मतलब ये कोई ना कोई गलती कर दिया। अब ये गलती किसने किया, इसको समझने के लिए आप इस चित्र को देखो। देखो जैसे एक है ये पोएट, पोएट का मतलब राइटर, एक इनका ये दोस्त है, और ये यहाँ दर्शक लोग हैं मतलब रीडर हैं, समझ रहे हैं? ये सब रीडर ऐसे हैं, ये सब रीडर हैं आपके। ठीक, ये रीडरों वाला खाना हो गया, ये इनके दोस्त वाला खाना हो गया, और ये राइटर वाला हो गया। ठीक, अब राइटर ने कोई पोएम लिखी, ठीक, पोएम लिखने के बाद अपने दोस्त को दिया कि लो इसको तुम पढ़ो, और आप पढ़ने के बाद ये बताइए कि इस पोएम का इन दर्शकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव भी उन्होंने फिक्स कर दिया है, कौन सा प्रभाव तुमको देखना है, इमोशनल प्रभाव देखना है। इन्होंने अपने मित्र से कहा कि लो इसको आप देखो कि ये जब दर्शक पढ़ेंगे
तो उनपे कौन सा इमोशन प्रभावी होगा, मतलब वो रोना शुरू कर देंगे कि हंसना शुरू कर देंगे, कहने का मतलब उनको दुख मिलेगा कि उनको सुख मिलेगा, या और भी जो इमोशन होते हैं वो उनमें अनुभूति, किस टाइप की अनुभूति इस पोएम को पढ़ने के बाद ये दर्शक लोग फील करेंगे या ये रीडर लोग फील करेंगे। अब ये जो महोदय हैं, इनके दोस्त, इन्होंने पोएम को पढ़ा और बताया कि इसको पढ़ने के बाद लोग खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, ठीक। तो इन्होंने जो है पोएम को यहाँ पे सप्लाई करवा दी, रीडर लोग पढ़े। अब ये हैप्पी होने के बजाय ये हो गए सैड, ठीक। अब बताओ गलती किसकी हुई, तो पता चला गलती इनकी हुई। तो इन्होंने सही से जज नहीं किया, क्या चीज जज नहीं किया, इमोशनल इफेक्ट को सही से जज नहीं किया, समझ रहे हैं। इसी इमोशनल इफेक्ट को सही से जज न कर पाने को ही बोलते हैं अफेक्टिव फैलसी। कैसा जो है फैलसी होता है, तो इरर ऑफ जजमेंट होता है। कैसा जजमेंट होता है, तो इमोशनल जजमेंट आप कहने का मतलब अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इमोशनल जजमेंट की आप इरर करते हो, यही है अफेक्टिव फैलसी। चलो आगे देखो, एलाइनेशन इफेक्ट क्या होता है। एलाइनेशन इफेक्ट इसको लाने वाले थे ये बिटोल्ड ब्रिज, जर्मन ड्रामेटिस्ट थे ये। तो एलाइनेशन इफेक्ट के देखो कुछ सिनानिम्स हैं। देखो एलाइनेशन इफेक्ट बोलो, चाहे ये चीज बोलो आप, चाहे इसको इस्टेंजमेंट इफेक्ट बोलो, चाहे डिस्टेंसिंग इफेक्ट बोलो, तो इसको इसके चार नाम आपको मिल रहे हैं। अब ये समझो एलाइनेशन इफेक्ट होता क्या है। जैसे आप हैं ड्रामा लिखने वाले हैं, तो ये लोग दर्शक हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि ड्रामा में मैं अगर जो रोने वाला सीन दिखाऊं या ड्रामा में मैं दुख वाला सीन दिखाऊं, तो इन दर्शकों को भी दुख की अनुभूति हो, ये भी उसी दुख में शामिल हो जाए, ये चीज बड़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन बिटोल्ड ब्रिच ने इसका कहने का मतलब इसके जस्ट अपोजिट काम किया। उन्होंने ये बताया कि इसमें अगर जो दुख का सीन हो रहा है, तो ये लोग इसके दुख के सीन से अटैच ना हो जाए, अटैच इसने प्रयास किया कि ये लोग अटैच ना हो जाए। तो अटैच कैसे नहीं होंगे जब इस ड्रामा में रियल सिचुएशन नहीं दिखाई जाएगी। जैसे 5-6 फुट का आदमी सामान्य तरीके से होता है, ये दर्शक भी मान लो 6 फुट के हैं सब, तो 12 फुट का आदमी स्टेज पे दिखा रहा है, तो दर्शक इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप अपने फेमिलियर चीजों से इन्वॉल्व होते हैं, आप कुर्सी पता चला तुम्हारी 3 फुट की अमूमन होती है, तो पता चला 8 फुट की कुर्सी दिखाई, मतलब बड़ा मानो तो बड़ी कुर्सी, बड़ा उसका जो है इंस्ट्रूमेंट, बड़ा उसकी पेन, समझ रहे हैं। तो जब सारी चीजें डिसिमिलर मिल जाती हैं, तो फेमिलियरिटी आप नहीं बना पाते हो। जब फेमिलियरिटी आप नहीं बना पाते हैं, तो इसी को बोलते हैं एलाइनेशन इफेक्ट लग गया, समझ रहे हैं। अच्छा, ये एलाइनेशन इफेक्ट इन्होंने लगवाया क्यों, एलाइनेशन इफेक्ट के पीछे इन्होंने, इनका मतलब लगवाने का ये ध्यान था कि अगर जो मैं दर्शकों को जागरूक कर दूं, तो अगर, और यही दर्शक जो है समाज में भी रहते हैं, तो उनका कहने का मतलब अगर जो ये ड्रामा को इमोशनली अटैच होके नहीं देखेंगे, तो ड्रामा में कोई अगर जो इवेंट दिखाई जा रही है उसमें कोई कुरीति है, उसका सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये लोग तुरंत विरोध करेंगे। और अगर जो आप ड्रामा से इमोशनली अटैच रहोगे, तो तुम्हारी तर्क बुद्धि काम नहीं करेगी। चाहे आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेना, जब भी आप कहीं इमोशनली किसी से अटैच होते हो, जैसे कोई बाबा जी हुए, जैसे मान लीजिए जो है आपके ये आसाराम बाबा जी हैं, आप इनसे, आप इनका चीज उजागर तब हुई जब किसी का इमोशन इनसे जो है कहने का मतलब इनसे टूटा, उसका विश्वास इनमें नहीं था, तो उसने इनकी कमी देखना शुरू किया, तो इनमें बहुत कमी मिल गई। जब तक लोग इनकी कमी नहीं देखे, इन पे पूरा विश्वास किए, कहने का मतलब अपना इमोशन इमोशन के साथ इनके साथ काम किए, तो बाबा जी के जो है बुरे कर्म नहीं पता चले। लेकिन जब आप तार्किक बुद्धि लगाए, इमोशन को आपने साइड में रखा, आपने दिमाग का यूज किया, तो तुरंत पा गए, नहीं यार बाबा जी तो गलत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एलाइनेशन इफेक्ट इसीलिए इसने लगवाया था बिटोल्ड ब्रिज ने, कि जैसे दर्शक है, मैं एलाइनेशन इफेक्ट लगाया यहाँ पे अपने ड्रामा में, और जो है टेक्निकली रूप से जो है दर्शक हमारे ड्रामा से इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ड्रामा में जो गड़बड़ इवेंट दिखाई दे रहे हैं, दिखाई जो है जा रहे हैं, तो उसको देख करके दर्शक तुरंत इसका विरोध करेगा कि नहीं ये गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ड्रामा में विरोध करना शुरू करेंगे, तो आप वही चीज आप समाज में भी विरोध करना शुरू करोगे, तो कहने का मतलब सामाजिक आपका जागरूक समाज का निर्माण होगा। तो इसी जो कहने का मतलब बिटोल्ड ब्रिज का एलाइनेशन इफेक्ट डालने के पीछे का यही मकसद था। अब इसके बाद आपका क्या आता है एलिगरी। एलिगरी क्या चीज होती है, एलिगरी देखो एक होती है नैरेटिव होती है, ये कैसे नहीं होती है। अब ये वर्स में भी आपकी हो सकती है, ये प्रोज में भी हो सकती है, कहने का मतलब आपका जो है कविता स्वरूप में भी हो सकता है, और कहने का मतलब जो है निबंध स्वरूप में भी आपका ये चीज हो सकती है। तो वर्स और प्रोज में एलिगरी आपकी दोनों हो सकती है।
वो एलगरी होती क्या है, तो एक नैरेटिव होती है, एक कहानी होती है। तो हर कहानी एलगोरी है, जरूरी नहीं कि हर कहानी आपकी एलगोरी हो जाए। अब देखो, एलगरी होने के लिए जैसे मैंने एक कहानी लिखा, इसकी दो मीनिंग निकल गई, एक तो सरफेस मीनिंग, प्राइमरी मीनिंग जिसको बोलते हैं, दूसरी होती है सेकेंडरी मीनिंग। तो किसी भी कहानी अगर जो दो मीनिंग निकल रही है तो आप उसको एलगरी बोल सकते हैं। अब जैसे कछुआ खरगोश की कहानी आप पढ़े, नॉर्मली पढ़े, आपको आनंद आ गया, फिर उसके बाद आपसे हम पूछ, तो अब इसकी सेकेंडरी मीनिंग ये है जो आप बताओगे कि जो धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है उसकी विजय होती है, जो आदमी बहुत तेज चलता है लेकिन बीच में रुक जाता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो सफल हो। तो अब ये जो दूसरी वाली आपने मीनिंग बताई, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मीनिंग। अब अगर जो किसी भी स्टोरी की दो मीनिंग निकल गई तो वो हो गई एलगरी। मतलब भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है हिस्टोरिकल एलगरी और दूसरी होती है कि जो आपका दिया गया है। हिस्टोरिकल एलगरी ने एक कहा, मैंने किया एक हिस्टोरिकल करेक्टर डाला, जैसे मान लो हमने चंद्रगुप्त का इसमें वर्णन कर दिया, ठीक, चंद्रगुप्त का वर्णन हमने किया। अब ये कहानी अगर जो दो मीनिंग निकली इसकी, एक तो प्राइमरी मीनिंग और दूसरी इससे कोई मारल मारल लेसन मिला या कोई इसकी जो है सेकंड और दूसरी कोई मीनिंग निकल रही है, तो ये हो गरी। ये कहानी कैसी है, हिस्ट्री पे बेस्ड है, इसीलिए इसको बोला जाएगा हिस्टोरिकल। और है क्या, इसमें दो मीनिंग निकल रहा है तो इसलिए इसमें अलगरी भी जोड़ना है। तो अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा हिस्टोरिकल एलगरी, ये ऐसे नाम पड़ेगा। अब एलगरी ऑफ आइडियाज क्या होती है उसको भी आप समझ लो। आइडिया का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जिसको मतलब कहने का मतलब आप न तो छू सके न तो देख करें, मतलब पांचों ज्ञान इंद्रियां तुम्हारी उस पर काम नहीं जो है करेंगी, न छू पाओगे न देख पाओगे न चाट पाओगे न सूंघ पाओगे न टच कर पाएंगे, वो चीज होती है एब्स्ट्रैक्ट। तो अब जैसे सिन एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, समझ रहे। अब अगर जो सिन डेथ को लेकर के मैं कोई एक अपनी पोएम बना दूं और उस पोएम की दो मीनिंग निकल जाए तो वो हो गया एलगरी ऑफ आइडियाज। कहने का मतलब ऐसी कोई पोएम या ऐसा कोई क्रिएशन या ऐसा कोई ड्रामा जिसके करेक्टर या जिसके पात्र एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो और उनसे ह्यूमन के जैसे बिहेवियर किया कराया जा रहा हो, तो ह्यूमन के जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंग से जैसे आप बिहेवियर कराओगे, कैसे कराओगे, बिना परसानिफिकेशन यूज किए करा नहीं पाओगे, तो आप उसमें परसानिफिकेशन का यूज करेंगे। परसानिफिकेशन का यूज करके उनसे ह्यूमन लाइक बिहेवियर आप कराओगे और उस कहानी की दो मीनिंग निकल गई तो बस वो हो गया एलगरी। अब इसमें आइडिया, आइडिया का आपने मूर्त स्वरूप दिया तो इसीलिए इसको बोला जाएगा आइडिया, और दो मीनिंग निकली तो बोला आपने एलगरी, तो इसी को बोलेंगे जो है एलगरी ऑफ आइडिया, समझ रहे हैं। तो एलगरी की आपको दो टाइप पति से, हिस्टोरिकल एलगोरी और एलगरी ऑफ आइडियाज। एलगरी ऑफ आइडियाज की प्रिंसिपल डिवाइस क्या होती है, एलगरी ऑफ आइडिया की प्रिंसिपल डिवाइस आपकी होती है परसानिफिकेशन। परसानिफिकेशन क्यों होगा, क्योंकि जब वो आइडिया है, उसके करेक्टर आइडिया है, मूर्त अमूर्त चीजें हैं, तो उसको मूर्त स्वरूप देने के लिए आपको उसका परसानिफिकेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रिंसिपल डिवाइस जो है मतलब आइडिया वाली एलगरी का यही माना जाता है परसानिफिकेशन, समझ रहे हैं। अब एलगरी दो मीनिंग निकले, मतलब ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई ड्रामा, ऐसे कोई नावल जिसकी दो मीनिंग निकले। अब ये आप तो, अब आगे आपको ये बताया जाएगा कि ये दो मीनिंग निकल कहाँ कहाँ रही है, किन किन कंडीशनों पे निकल रही है, और उस चीज को आप क्या नाम देंगे या उस चीज को किन नामों से आप जानेंगे। अब इसमें एक नाम आपको आगे आएगा, एल्गोरिकल इमेजरी। ये क्या चीज होती है, पहले आप इमेजरी समझो। इमेजरी वो चीज होती है कि जो आपके दिमाग में इमेज बनाते, कैसी इमेज, जैसे मैं शब्दों से ऐसा वर्णन करूं आपका बढ़िया, इतना फिगर आप स्पीच लगा के शब्दों से इतना किसी चीज का वर्णन बढ़िया कर दूं कि वो एक दिमाग में आपके मूर्त स्वरूप बन जाए। तो बस अब मूर्त स्वरूप बना तो मतलब अब ये जो है इमेज कायम हो गई। अब शब्दों से हमने मूर्त स्वरूप आपके दिमाग में कायम कराया तो इसी को बोलते हैं इमेजरी। और इमेजरी इस अगर जो कहानी का, जैसे मान लो मैंने एक कोई कहानी लिखी और उस कहानी में मैंने किसी चीज का इतना अच्छे जीवंत वर्णन किया कि आप वो पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में पूरा उसका खाका बन गया। खाका बनने के बाद क्या हो गया, और उस कहानी की दो मीनिंग निकल गई, तो
जैसे खाका बना बस उसमें इमेजरी लग गई, और जब इमेजरी लग गई और उसकी दो मीनिंग भी निकल रही, तो दो मीनिंग जब जो है निकली, तो आपने उस चीज का नाम एलगरी भी दे दिया। तो अब एक तरफ इमेज आप बना रहे हो, दूसरी चीज एलगरी भी दे रहे हो, तो बस वही हो गया एलगोरिकल इमेजरी। बात समझ में आ गई आपको? चलो ठीक, इसको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे आज जो है नेक्स्ट क्लास में वो किया जाएगा। थैंक्स।